यह पालगढ़ जिले में नारियल की खेती बड़े पैमाने पे की जाती है, लेकिन जो अभी जो किसान हैं जो नारियल की खेती करते हैं उनको बहुत सारी समस्या आ रही है। जैसे कि उनको नारियल निकालने के लिए मजदूर नहीं मिलते, अगर जो मजदूर मिल गए तो उनकी जो दिन की मजदूरी होती है नारियल निकालने की वो बहुत ज़्यादा है। और दूसरी एक समस्या है कि यह समय समय पर नारियल की साफ़ सफाई नहीं की जा रही है, इसलिए रोग और कीड़ी का प्रादुर्भाव ज़्यादा हो रहा है। तो इस समस्या का सॉल्यूशन करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र 2015 से एक ट्रेनिंग ले रहा है, वो ट्रेनिंग का नाम है नारियल मित्र प्रशिक्षण। उस ट्रेनिंग ये ट्रेनिंग सिक्स डे का रहता है। इस ट्रेनिंग में हम लोग नारियल मित्र बनाते हैं, जैसे कि नारियल मतलब नारियल के पेड़ पर चढ़ने के लिए हम लोग तैयार करते हैं, ये लोग चढ़ते हैं वो मशीन के द्वारा करते हैं चढ़ते है। इस ट्रेनिंग में हम इनका इंश्योरेंस भी निकालते हैं, 1 लाख का उनका इंश्योरेंस होता है और उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो उससे वो अगर उनको ये बिजनेस चालू करना है नारियल निकालने का तो सीढ़ी लेकर घूमने के लिए गाड़ी का भी लोन डिस्ट्रिक्ट बैंक से मिलता है। लगभग हमने 2015 से 60 प्रशिक्षणार्थी को हमने ये ट्रेनिंग दिया है और उसमें से 30 लोग अपना नारियल तोड़ने का काम करके अपना अर्थार्जन कर रहे हैं। मैं पहला भिखारी काम करता था, से ज़्यादा इनकम नहीं आ रहा था, दिन का 200 रुपये देता था। अभी मैं कृषि विज्ञान केंद्र कोसबाड़ हिल उधर मैंने ट्रेनिंग लिया नारियल के झाड़ के ऊपर चढ़ने का, उससे मेरे को बहुत अच्छा कमाई हो रहा है। दिन में मैं 1000 रुपये तक कर सकता हूँ। मैम ने मेरे को हम लोगों को 6 दिन का ट्रेनिंग दिया और मशीन भी हमको फ्री दिया उधर से, और हमको झाड़ पे चढ़ने का एकदम इजी हो गया और उससे कुछ डर नहीं लगता है। 1 लाख का इंश्योरेंस भी हमको निकाल के दिया उससे और हमको इजी हो गया नारियल पे चढ़ने का, कुछ डर नहीं है। अभी एक झाड़ा मांगे हम साफ सफाई करने का 100 रुपये लेते हैं और दिन में 10-15 कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र उसके हम बहुत शुक्रगुजार हूँ।